رمضان اهلا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم اما بعد محترم هزرات क्या मुसाफ़िर शख़्स को रोज़ा रखना लाजमी है या रोज़ा ना रखना उसके लिए क्या है रख्सत है मुसाफिर के बारे में अगर देखा जाए रोज़ा रखना या ना रखना बेहतर क्या बेहतर है तो इस सिलसिले में कई अहादीत आई हैं बाज बादी से ये मालूम होता है कि रोज़ा ना रखना बेहतर है और बाज़ अहादीस ऐसी हैं जिससे ये जाहिर होता है कि रोज़ा रखना बेहतर है यानी ऐसी अदीस जिसमें रसूलुल्लाह रसोल्ला अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने से मना फरमाया सफ़र में और इसी तरह बाज़ ऐसी अहादीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रोज़ा रखा सफ़र में तो इसीलिए अहिल कहते हैं कि मुसाफ़िर की मुख्तल हालतें हैं एक ऐसा मुसाफ़िर अगर उसने रोज़ा रखा दौरान सफ़र तो वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और परेशानी में पड़ जाएगा उसे नुकसान पहुँचेगा उसकी सेहत को तो ऐसे मुसाफिर को चाहिए कि वो रोज़ा न रखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है कि आप अलैहि वसल्लम सफ़र में हैं तो देखें कि जो है कुछ लोग आपके साथियों में से सहाब कराम में से जो सफ़र में थे एक जगह इकट्ठा हो गए जमा हो गए तो आपने पूछा आखिरकार क्या वजह है ये लोग इधर क्यों इकट्ठा हैं जमा हैं इस तरह तो साहब कराम ने कहा कि यह रसोल्ला फला इबन फला रोज़े से था सफ़र में और परेशान हुआ सफ़र में रोज़े से यहाँ तक कि बेहोश हो गया है तो आप वसल्लम ने कहा उस मौके पर लई समिनब्रसिया मुफी सफ़र सफ़र में रोज़ा रखना ये भलाई का, का काम नहीं है और ये कोई नेकी काम नहीं है ये आपका फ़रमान तो मालूम पड़ा कि लई से मिन बिर्री अस्या सफ़र कि सफ़र में रोज़ा रखना ये भलाई का काम नहीं यानी गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि सफ़र में रोज़ा ना रखा जाए ये उस वक्त जब देखा कि एक इंसान परेशानी में पड़ गया तो इसीलिए अगर इंसान जानता है कि रोज़ा रखने से सफ़र में वो परेशानी में पड़ सकता है उसे नुकसान पहुँचेगा तो उसे चाहिए कि रोज़ा ना रखे एक दूसरी हालत एक दूसरी हालत मुसाफिर की है कि दौरान सफ़र अगर वो रोज़ा रखता है तो बहुत ही ज़्यादा उसे नुकसान नहीं लेकिन एक परेशानी का उसे सामना करना पड़ेगा यानी सिर्फ रोज़े की परेशानी भूख नहीं बल्कि सफ़र के बिना पर किसी न किसी किस्म की कि क्या है उसे परेशानी होगी रोज़े में तो इधर भी बेहतर यह है कि वो रोज़ा ना रखे एक तीसरी किस्म मुसाफिर की है कि उसके लिए रोज़ा रखना या ना रखना दोनों बराबर है तो ऐसी हालत में बेहतर यही है जो जमहूर अहले इल्म का कहना है कि वो रोज़ा रख ले क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और साहब कराम ने सफ़र में रोज़ा रखा था और जाहिर से बात है उसी वक्त रोज़ा रखे होंगे जब रोजा रखना उनके लिए क्या है मैसर और आसान रहा होगा तो इसी अगर रोज़ा रखना या ना रखना दोनों बराबर है तो बेहतर ये होगा बकुल जमहूरामा के कि रोज़ा रख लिया जाए इस सिलसिले में अब दरदा रजील् फरमाते हैं जैसे कि सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि रसूल सल्लाम के साथ सफ़र में हैं और फरमाते हैं अब दरदा हम सफ़र में हैं सफर में कोई सहाबी कोई हमारा साथी रोज़े से नहीं मगर सिवाए दो लोगों के नंबर एक अलैहि वसल्लम नंबर दो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ये दो लोग अब्दिल्ल अबिन रवा रौँ रदीन भी रोज़े से ये दो लोग एक तो नबी पाक सल्हल दूसरा अब्दिल्ल अबिन रवा रौँ रदी अल्लान ये दो लोग रोज़े से हैं बाकी कोई और रोज़े से नहीं और इसी तरह हज़र इब्न अब्दुल्लाह और हज़रत खुदरी रजी अल्ल्न फ़रमाते हैं जैसे कि सही मुस्लिम वगैरह की रिवायत है कि हम सफ़र में थे रसूल सल्ला वसम के साथ हम में से एक जमात लोगों की रोज़े से है और एक दूसरी जमात लोगों की गैर रोज़े से है बग़ैर रोज़े के है तो जो रोज़े से है उसने बग़ैर रोज़े वालों को कुछ नहीं कहा कोई तबसरा नहीं किया और जो बग़ैर रोज़े से हैं उन्होंने रोज़ा रखने वालों पर कोई तबसरा नहीं किया कुछ नहीं कहा तो दोनों कस्म का क्या है जब मामला अगर पाया जाए रोज़ा रखना या ना रखना दोनों बराबर है तो बेहतर ये होगा कि रोज़ा रख लिया जाए यही क्या है बेहतर होगा और जब इंसान सफ़र में रोज़ा नहीं रख सकता मुश्किल है उसके लिए शिक्कत और मशक्क़त और परेशानी में पड़ जाएगा नुकसान पहुँचेगा अगर ऐसी हालत में रोज़ा नहीं रखता ना रखे बल्कि तो अगला रमज़ान आने से पहले पहले उसे क्या है उतने दिन का रोज़ा कज़ा करना होगा रखना होगा जितने दिन का रोज़ा उसने सफ़र के बिना पर क्या है तर्क किया था तो ये मुसाफिर से मुतल क्या है रोज़े से मुतिक अहकाम है अल्लाह हम तबों को इन बातों को अच्छी तरह समझने की तोफ़ी दे वालेक वरहल वबरक قبل <applause> رمضان